हमारी यूनिवर्सिटी के सारे पंजाब में नाइन कैंपस हैं और हमारा टोटल कोई थर्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स है फाइव हंड्रेड प्लस फैकल्टी है और एक जो मैं बहुत अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बी प्रोग्राम्स हैं उसमें टू परसेंट कोटा मिनोरिटीज़ के लिए रखा है जो कि बहुत ही इम्पॉटेंट एक इकदाम है गवर्नमेंट का ऑफ़र्ड एक्चुअली थ्री प्रोग्राम्स बी एड ऑनर्स बी एड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन एंड बी एड ऑनर्स एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सो टोटल सिक्स सीट्स वर ऑफर्ड और अब तक अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है चूंकि अवेयरनेस नहीं है तो शायद एक दो ही हैं लेकिन अगर अवेयरनेस हो जाए तो वी आर होपफुल दैट दे वुड गेट एडमिशन मेरा नाम है मेरे फादर का नाम मुश्ताक मसीह मैं माइनॉर्टीज से ताल्लुक रखती हूँ और इधर मैं बी एक्स इकनॉमिक्स पॉस्टेडी भी कर रही हूँ और मेरे भाई के थ्रू मुझे पता चला कि माइनॉर्टीज़ के एडमिशन्स हो रही हैं तो मैंने भी अप्लाई कर दिया तो मेरा नेम आ गया है और मैं भी इधर स्टडी कर रही हूँ माइनॉर्टी कोटा की वजह से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हमें मिली है और मैंने रिसीव भी की है और हुकूमत की तरफ से जो कोटा uh, के स्टूडेंट आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है पाकिस्तानी दे ऑल ऑल आर इक्वल, सो बी प्रोवाइडिंग देम ऑफ़ फैसिलिटीज। पाकिस्तान जब बन गया था तो कायदम का बड़ा क्लियर मैसेज था कि दिस इज फॉर एवरी वन दिस इज नॉट ओनली मुस्लिम्स बट एवरी बॉडी इन पाकिस्तान वेदर दे आर क्रिश्चन सिक्स हिंदूज वट्स हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी ह्यूमन uh, राइट्स की बात कर और ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल तो ये याद रखिए कि ये बड़ा क्लियर और कैटागोरिकल है कि हमें इन तमाम को इक्वल सिटीजन समझना है इस वेरी क्लियर जब बच्चे हमारे पास एडमिशन हो जाते हैं तो उनका चाहे वो किसी मिनोरिटी बेस पे हो चाहे वो किसी कोटा हो ही कोटा हो जब हमारे पास यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं दे आर कंसीडर स्टूडेंट आस we we never consider their caste their religion their sect whatever they are they are first they are student मेरा नाम इमरान इकबाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से बिलोंग करता हूं और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप मेन कैंपस लाहौर से बी एस जोलॉजी कर रहा हूं मुझे टू परसेंट मिनोरिटी कोटे का पता टीचर्स फ्रेंड्स से मिला था उन्होंने मुझे गाइड किया था और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में शॉप से अप्लाई किया था फोर फील्ड्स में किया था और सब फील्ड में, में मेरा नाम आ गया था और फिर मैंने जोलॉजी को चूज़ किया था मरियम एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बैंक एंड फ्राम इंग्लिश डिपार्टमेंट आई गॉट वॉन्ट ऑन माइनॉरिटी बेस एंड आई इवन फील एनी डिस्क्रिमिनेशन Uh, because uh, the environment of university is very pleasant for me, even though my classmates are really very cooperative, and uh, we eat and sit together and study together. So, this high minority promote uh, promotes the cohesion between the uh, religions and the community. information spread. Uh, for instance, if इसी तरह बहुत सारे अभी गैप्स हैं सीटें खाली पड़ी हुई हैं हमारे पास इस वक्त एम में बी में जो क्रिश्चन स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर ऑन मेरिट आते यानी ऐसा नहीं है कि वो मेरिट पे नहीं है तो लेकिन यह कि अभी उनको अवेयरनेस कम ये है मसलन हमारे पास आप जानते हैं कि एक लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं उन एक लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन में से हो सकता है अगर क्रिश्चन स्टूडेंट की तादाद एक भी थी वो एक हज़ार को अगर पहले अवेयरनेस नहीं थी कि टू परसेंट कोटा है और हम उधर भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी वो मेजॉरिटी की तरह जिस तरह यहाँ दाखला नहीं मिलता हम तो फाइव टू तो सिक्स थाउजेंड को ही कैटर कर पाते हैं ना नाइन्टी थाउजेंड प्लस तो स्टूडेंट रह जाता है तो उनमें हो सकता है क्रिश्चन स्टूडेंट्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद हो तो मेरा ख्याल है कि ये माइनॉरिटी कोटा लगा देना अप्लाई कर देना प्लस उसको डिसिमिनेट करना अमंग दो ग्रुप्स हमें शायद चर्चेस में जाके बताना पड़ेगा हमें ऐसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को बताना पड़ेगा कि जनाब जब आप इंटरमीडिएट करें तो वी ऑफ़र दीज प्रोग्राम्स और आप भी आकर बी एस फिज़िक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी और इधर टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं वेल एंड गुड इफ यू आर ऑन ओपन मेरिट लेकिन अगर आप ओपन मेरिट पे नहीं भी हैं तो यू हैव अ स्पेसिफिक कोटा फॉर यू बेसिकली जब मैंने मीनोटी कोटा में अप्लाई किया था तो इस यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया का मुझे नहीं पता था कि इनकी मिनोटीज़ की लिस्ट ज्यादा लगती है ओपन मेरिट की ओपन मेरिट की ज़्यादा लगती है तो जब ओपन मैरट की लिस्ट लगी तो मेरा ओपन मेरिट में मेरिट बन रहा था लेकिन मेरा नाम नहीं आया था पहली लिस्ट में ही तो फिर मैं इधर डिपार्टमेंट में आया था तो टीचर्स ने मुझे गाइड किया था कि इनकी लिस्ट अलग लगती है मैं थोड़ा परेशान हो गया था और फिर मुझे एक लैब अटेंडेंट मिले थे उन्होंने मुझे गाइड किया था और उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट भी किया था कि मतलब मिनोरिटीज़ इधर कम आते हैं आप मतलब इधर आओ पढ़ो और आगे जा सकते हो तरक्की कर सकते हो तो मैं आने वाले जब मिनार्टीज़ जो हैं उनको ये कहूँगा कि टू परसेंट मिनोरिटी कोटा होता है हर फील्ड में होता है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की फील्ड में तो उनको अप्लाई करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए इस लाइटों पर कायम रहें और अपने आप को कभी भी किसी से कमतर या ना है ना समझें और हमेशा अपने आप को काबिल बनाएं बेहतर बनाएं अपनी एजुकेशन पर तो वी लाइक टू एनकरेज के हमारे जो स्टूडेंट्स मिनोरिटी कम्यूनिटी से हैं वो इससे फायदा उठाएँ कि सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ये कोटा अवेलेबल है वो अप्लाई करें और मेन स्ट्रीम में आएँ